हाय गाइज, वेलकम बैक टू हिंदी टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आपको एक बार फुल चार्ज करने पर 225 किलोमीटर चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए हम जल्दी से अपने वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, NDS इको मोटर की वेबसाइट पर आया हूँ और मैं थोड़ा आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है इसके फाउंडर है MH रेड्डी जी हैं और उन्होंने ये कंपनी 2015 में स्टार्ट किया था। उनका मेन मोटो ये था कि उस समय लोग बोला करते थे कि जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वे सक्सेसफुल नहीं हैं। उन्होंने ये सोचा कि जो लोग ये बोल रहे हैं मैं उनको गलत साबित करूं, और आज के समय में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो उस समय लोग बोला करते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वे सक्सेसफुल नहीं है, तो वे धीरे धीरे रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा हम इनके एक्सपीरियंस के ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये CEO थे IFB ऑटोमोबाइल कंपनी के, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर। तो ये एक्चुअल ये अभी केवल बेंगलोर स्थित ये कंपनी है, तो ये केवल 5 ही जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो मैं आपको आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इनके जो 3 मॉडल हैं वे कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला मॉडल है आपका लियो का है, दूसरा है लियो प्लस का है, और तीसरा है अल्फा का है। तो तीनों ही जो स्कूटी है वे A1 है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों के ही फीचर आपको बता देता हूँ। तो ये इनकी वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने दिया गया है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप इनके वेबसाइट में आके आप जानकारी ले सकते हैं। तो फर्स्ट में हम चलते हैं लियो वाली पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लियो वाला जो पेज खोल लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके कलर वेरिएंट काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रीन हो गया, और हम देखते हैं जैसे ये हो गया सिल्वर रंग का हो गया। तो ऐसे ही आपको जो कलर है आप उसको आप परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने दिया है हाईलाइट फीचर दिया है, तो इसमें लिथियम आयन की बैटरी है जो 72 V और 21 AC में पावर जनरेट करती है, और इसका जो मोटर है वह है BLDC का मोटर है जो 1600 वाट का पावर जनरेट करता है। तो वहीं अगर हम ओकिनावा प्रेस से कंपेयर करें तो उसमें 1000 वाट का उसमें मोटर लगा हुआ है, और जो इसमें टॉर्क है वह 152.78 Nm का, जो आपको 100 RPM प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों, पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये फुल चार्ज होने में 2.5 यूनिट लेता है। तो 2.5 यूनिट को अगर हम 6 से करें इंटू करें तो अप्रोक्स आपका पड़ेगा 15 रुपये पड़ेगा। तो 15 रुपये में आप 100 किलोमीटर तक आप इसमें रेंज आपको मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें कुछ दिए गए हैं, फीचर दिए गए हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज है, लाइटर वेट है, और रीजनरेट पावर विथ EABS है। तो ये तो आजकल हर इलेक्ट्रिक स्कूटी में आने लगा है। तो नीचे हम आते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं 3 स्पीड कंट्रोलर दिए गए हैं। अगर आप इकोनॉमिक मोड में अगर आप रन करते हैं तो 125 किलोमीटर का रेंज ये दे देती है, अगर आप नॉर्मल में यूज़ करते हैं तो 100 किलोमीटर, अगर पावर में यूज़ करते हैं 3 किलोमीटर। तो ऐसे हम आते हैं नीचे, और नीचे इनके दिया है टॉप स्पीड दिया है 55 किलोमीटर दिया है, बैटरी टाइप दिया है लिथियम आयन दिया है, बैटरी स्पेसिफिकेशन दिया है 72 V 21 AC के दिया है, चार्जिंग टाइम दिया है 4 आवर, और जो इसका वेट है वो 90 kg है। तो इसका वेट 90 kg है, तो तकरीबन ठीक है। हीरो वाली जो स्कूटी है उनसे तो ठीक ही है, क्योंकि उनका जो वेट होता है वह मैक्सिमम होता है 75 किलो से ऊपर, उनका कोई स्कूटी का वेट है ही नहीं। तो वे काफ़ी हल्की लिए आपको होती महसूस होती है कि जैसे कि आप कोई खिलौना यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लगती है। मगर ये इसमें दी है 90 किलो, तो ठीक है, एवरेज है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो टायर है वो ट्यूबलेस टायर है, और रनिंग कॉस्ट आप देख सकते हैं कि पर किलोमीटर 10 to 15 पैसा आ रहा है, तो जो कि काफ़ी चीप है। तो यहाँ पे अगर आपको ये बाई करना है तो आप यहाँ से इसको आप इसका प्राइस जो आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनके काफ़ी सारे है वेरिएंट, तो मैं करता हूँ रेड, मैंने कर लिया सिलेक्ट। और यहाँ पे ये केवल इन्हीं सिटी में करती है, ऑपरेट करती है। तो अगर आप जैसे कि नासिक, बेंगलोर, हैदराबाद के आसपास हैं तो आप यहाँ पे वहाँ पे जाके इसको आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं हैदराबाद के आसपास के प्राइस जानता हूँ, तो आप तो दोस्तों आप तो देख सकते हैं जो इसकी एक्स शोरूम की जो प्राइस है वो 83,963 रुपीज़ है। और अब हम बात करते हैं अब इनकी दूसरी सीरीज़ की, जो है लियो प्लस। तो आप देख सकते हैं कि हम आगे हैं लियो प्लस पे आ गए हैं, ये देखिए। और इसका इसमें भी पूरे वही सेम फीचर दिए गए हैं, इसकी भी बैटरी 72 वॉट और 21 AC की है, और इसमें भी
लिथियम आयन वाली बैटरी है। इसका जो मोटर है वो 1600 वॉट का है। इसमें जो टॉर्क है 152.78 Nm और ये 100 RPM कराता है, प्रोवाइड कराता है। इसमें भी 2.5 यूनिट आपको फुल चार्ज होने में लगती है और बाकी सब वही लाइट वेट, बाकी सब वही है। और इसमें लास्ट में आप दे सकते हैं कि जो इसका इकोनॉमी मोड अगर आप रन करते हैं तो ये आपको 225 किलोमीटर आपको दे देगी। नॉर्मल मोड में अगर यूज़ करते हैं 190 और पावर मोड में यूज़ करते हैं 165। तो मेरे को तो इसमें डाउट है कि इकोनॉमी मोड में ये 225 किलोमीटर दे सकती है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी इसको इसकी टेस्ट ड्राइव ली नहीं है। मगर अगर ये दिल्ली के आसपास इसका शोरूम खुलता है तो पक्का इसका मैं जाके लूँगा, टेस्ट लूँगा। मगर आई थिंक ये 225 नहीं, ये अप्रोक्स 170 या 180 तक ये इकोनॉमी मोड में दे सकता है, क्योंकि जो इसकी बैटरी है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मगर क्या पता इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इनोवेशन किया हो। मगर जो कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर तो यही लिखा है 225 किलोमीटर ये रन कर सकती है एक बार फुल चार्ज में। और नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें भी टॉप स्पीड है 55 किलोमीटर और बाकी सब वही है जो इसमें लियोन वाले में दिए गए थे, फीचर दिए गए थे। बस इसमें यह है कि जो वेट है, इसका वेट है 100 kg, उसका वेट है 90 kg। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी। तो दोस्तों अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी 100 के आसपास का वेट होता है तो वे चलाने में काफ़ी कम्फर्ट होता है, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कोई खिलौना या हल्की इलेक्ट्रिक स्कूटी आप चला रहे हैं। और बाकी जो इसका है, इसका भी रनिंग कॉस्ट जो है वो 10-15 paisa है और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है तो इसकी प्राइस इसकी ज़्यादा है। तो मैं रेड को करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ मैं कर लेता हूँ नासिक और हम देखते हैं, नासिक में नहीं है इनका तो हम करते हैं बेंगलोर कर लेते हैं। ये देखिए बेंगलोर में इसकी जो प्राइस है वह है 1,12,395 रुपीज़ है। तो ये 1,00,000 के ऊपर की बाइक है, मगर तब भी आप इसको ओकिनावा प्रेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या पता जो ओकिनावा प्रेस की अभी लिथियम आयन बैटरी कब तक आएगी और वे आती है तो फिर उसका एवरेज कितना होता है, वे तो अभी देखने वाली बात है। मगर लुक वाइज काफ़ी मतलब कि अट्रैक्टिव लग रही है ये बाइक देखने में और जो इसमें जो दिए गए हैं फीचर वे भी टॉप क्लास के फीचर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अल्फा, इसमें आप देख सकते हैं इसमें फीचर क्या क्या दिया गया है। तो इसकी जो बैटरी है वह 72 वाट और 20 AH की बैटरी है और इसमें जो मोटर लगा है वह 1600 वाट का मोटर लगा गया है और इसमें पावर कंजम्पशन आप देख सकते हैं कि 3.61 यूनिट है। तो थोड़ा इसमें थोड़ा पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब आपको अप्रॉक्स कितना हो गया 21 रुपये में आप 100 किलोमीटर आप इसमें आप चल सकते हैं। और इसमें रीजेनरेटिव पावर विद EABS का दिया गया है, फीचर दिया गया है और यहाँ देख सकते हैं कि इकोनॉमिक मोड में 80 किलोमीटर चलेगी, नॉर्मल मोड में 70 और पावर मोड में 60 किलोमीटर चलेगी। जो इसकी टॉप स्पीड है वह है आपका 50 किलोमीटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो बैटरी है वह लिथियम आयन की बैटरी नहीं है, VRLA जेल वाली बैटरी है और बैटरी का जो है 72 वाट 20 AH की बैटरी है और जो इसका फ्रंट और रियर टायर है वो दोनों ही ट्यूबलेस टायर है और इसको चार्जिंग में टाइम लगता है 6 घंटे और जो इसका वेट है वह है 122 kg और जो इसका रनिंग कॉस्ट है वह 18 पैसे किलोमीटर। अब आप सोचे कि इसका वेट 122 केजी कैसे हुआ, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें लिथियम आयन बैटरी नहीं है, इसकी जो बैटरी का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए इसका वेट 122 किलो हो गया है। और बाकी हम इसका देखते हैं कि इसका प्राइस, जैसे मैं करता हूँ ब्लू करता हूँ सिलेक्ट और हम करते हैं नासिक में है क्या, नासिक में है नहीं, पता नहीं इन्होंने नासिक क्यों दे रखा है। तो अब हम करते हैं बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में इसका प्राइस अप्रोक्स है, ये एक्स रूम प्राइस है 71,365 रुपीज़ है। तो ये थी इनकी 3 इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का विचार कर रहे हैं तो आप लियो प्लस को आप प्रेफर्ड आप कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इन तीनों ही मॉडल के बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो आप इनकी वेबसाइट में आके या आप इस पर देख सकते हैं कि इनमें और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो तीनों में से मैं आपको बस यही करूँगा, प्रेफर करूँगा कि आप लियो प्लस वाला आप अगर कोई बाइक करना है तो आप इसको बाइक कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो जो इसका रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको अप्रॉक्स जो कंपनी जो क्लेम करी वो 200 से ऊपर करी है, 225 किलोमीटर आपको करिए क्लेम करिए एक बार फुल चार्ज होने में। अगर एक्चुअल में ये 225 में ना दे, 180 190 भी दे दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वह आपको 180 या 190 किलोमीटर का रेंज आपको दे रही है। सो गाइस वहीं अगर मैं बताऊँ इन तीनों में से आपको कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको नहीं लेनी चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा अल्फा, क्योंकि एक तो इसमें
लिथियम आयन का इसमें बैटरी भी नहीं दिया गया है, और प्लस इसकी जो रेंज है वो रेंज भी कम है, और प्लस जो इसकी स्पीड है वो स्पीड भी कम है। लास्ट में मैं ये कंपनी वालों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनकी जो प्राइस है वो अप्रॉक्स एक लाख के ऊपर क्रॉस हो गई है, तो अगर कंपनी वाले ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो जो इसकी प्राइस थोड़ा और आप करीब एक लाख के अंदर लाते हैं, जैसे कि 80 या 90 या 95,000 रुपीज़ लाते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी इसको आप बोल सकते हैं। मगर अभी ये 1,12,000 के ऊपर जा रही है, और प्लस उसके बाद फिर आपको इसमें लगेगा इंश्योरेंस लगेगा, फिर इसके बाद आपको लगेगा आरसी का आपको खर्चा देना पड़ेगा, तो उसमें आपको अप्रोक्स 6,000 से 7,000 रुपये और लग जाएंगे। तो ये आपको जो लियो प्लस वाली जो वेरियंट है ये आपको 1,20,000 का अप्रोक्स आपको पड़ जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। एक जो नॉर्मल यूजर होता है जिसका बजट मुश्किल से 55, 60 या 70 तक वो घीस घीस के लाता है, तो वे 1,20,000 तो उतना ज़्यादा वे अपने जो रेंज है उसको वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो ये कंपनी अगर हमारी ये वीडियो देख रही है तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा वे अपने कॉस्ट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, और जो उनकी कॉस्ट है वे एक रीजनेबल प्राइस पर लाएँ, जिससे जो जो एक आम ग्राहक है वो भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को परचेस कर पाए। सो फ्रेंड, आई होप इस छोटे से वीडियो से थोड़ा बहुत आप लोग को फायदा हुआ होगा। अगर इस छोटे से वीडियो से थोड़ा बहुत आप लोग को फायदा हुआ होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मंजल लौटूंगा इस वीडियो इस जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।